नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो कि बहुत ही अच्छी खबर कश्मीर से आ रही है कि वहां पर कुछ पॉजिटिव केसेस थे जिन्हें अब जो है उनका रिपोर्ट फिर से आई है जिसमें उनका नेगेटिव आया, उन्होंने रिकवर कर लिया है। तो सीधे रुख करते हैं कश्मीर की और जहाँ हमारे सीनियर संवाददाता सनम एजाज हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सनम, क्या जानकारी है जिस तरह अब उनका नेगेटिव केस आया है? देखिए जसलीन, ये 5 केसेस थे हॉस्टल में और ये अंडर ऑब्जर्वेशन अंडर ट्रीटमेंट थे क्योंकि इनका पहले पॉजिटिव आया था, फिर ये अपने इन्हें क्वारंटाइन किया और हॉस्टल में रहे, हॉस्पिटलेशन में आइसोलेशन में रहे। और आज सुबह सुबह डॉक्टर नवीद नजीर हैं जस्ट डिजीज हॉस्टल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने आज सुबह सुबह ये खुशखबरी दी कि 5 इनमें से जो 5 थे जो वहाँ पे एडमिट केसेस थे पॉजिटिव केसेस, उनमें से 5 के केसेस के रिजल्ट जो आए हैं, टेस्ट जो आए हैं वो नेगेटिव, यानी वो रिकवर कर चुके हैं, कोरोना से खाली हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं कोरोना से, तो अब वो नेगेटिव हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उन्हें एहतियात की जरूरत है, अभी उन्हें और भी 1-2 दिन रखा जाएगा उनके हवाले से और टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे। लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव केस का वायरस था उसके वायरस के खत्म होने की उन्होंने बात की और कहा कि एक अच्छी खबर है, लोग रिकवर हो चुके हैं, यानी 5 लोगों की आज उन्हें सर्टिफाई किया कि ये 5 लोग जो है ये पॉजिटिव थे, अब ये रिकवर हो चुके हैं और जल्द ही उन्होंने कहा कि कुछ फॉर्मेलिटीज टेस्ट वगैरह करने के बाद इन्हें अपने अपने घरों के लिए वापस रवाना किया जाएगा। जस्टिन, बिल्कुल। तो सनम, क्या लगता है जो जिस तरह और भी बाकी वहाँ पर पेशेंट्स हैं, क्या वो भी जो है इस लड़ाई में जीत हासिल कर सकते हैं इन्हीं की तरह जिस तरह इन लोगों ने रिकवरी कर ली है? देखिए प्रियंका, इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट हमें देखनी पड़ेगी, जो कोरोना वायरस जो है इसकी जो डेथ रेट जो है वो ओवर एज के लोगों की ज्यादातर पे अभी तक देखी गई है, मिडिल एज और नौजवानों को, खासतौर पे नौजवानों को तो ये कुछ नहीं कर पाता है, ओवर एज के लिए मिडिल एज के नौजवानों को लोगों को थोड़ा सा खतरा रहता है। तो इस वक्त कश्मीर में अच्छी खबर ये है कि अभी तक कोई भी सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग जो है वो इसका शिकार नहीं है, बल्कि मिडिल एज और ये जो इस जो युवा है, नौजवान है, वो इसका शिकार बने हैं। तो इसलिए ये उम्मीद है कि ये नहीं कुछ कर पाएगा और बहुत अब ये सब लोग जो है इस वक्त अस्पतालों में वो सब रिकवर होकर वापस आएंगे, क्योंकि एक तो अपने उनके अंदर से क्षमता ताकत होती है वो लटकने की इस वायरस से, वो होती है नौजवानों में, और खतरा जो रहता है वो सबसे एक तो जो जो पहले से बीमार हो उनको खतरा रहता है और उम्र का जो तकाजा होता है, बड़ी उम्र के लोगों को ये नुकसान पहुंचाता है, उन पे बड़ा ज्यादा अटैक होता है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ पे जो भी जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो सब जो है वो उस एज ग्रुप में नहीं है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि कोई बड़ा नुकसान जो है वो नहीं उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हम जानते हैं लॉकडाउन का किस तरह का असर जो है इस वक्त कश्मीर में देखने को मिल रहा है, उसके बारे में जानकारी? देखिए लॉकडाउन पूरी तरह से हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी कुछ लोग जो है वो अभी भी बिना जरूरत के निकल जाते हैं। जिस तरह आज सुबह सुबह श्रीनगर के छतरबल के इलाके में कुछ लोग निकले हुए थे, क्योंकि छतरबल रेड जोन में है, वहाँ आसपास काफी केसेस है, पॉजिटिव केसेस हैं, तो वहाँ के कुछ लोग जो है वो सुबह सुबह निकले हुए थे और उस पर अगर जो प्रशासन जो है वो या पुलिस है वो बड़ी सड़कों पे है वो वहां पर ड्यूटी करेगी, लेकिन पुलिस और प्रशासन कितना भी करेगी ये लोग जो है ये वो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए वाला मामला, तो अभी कुछ जगहों पे छतरबल अभी को आइडेंटिफाई हुआ है और कुछ और जगहों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पे ही, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 99% जो है वो लॉकडाउन जो है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे सीनियर संवाददाता सनम एजाज थे कश्मीर से हमारे साथ फोन लाइन पर, और जिस तरह ने बताया कि 5 केसेस थे जिनका पॉजिटिव था पर अब उन्होंने रिकवरी कर ली है और उनका जो है नेगेटिव हो चुका है और जल्द ही जो है उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उनका क्वारंटाइन पीरियड भी ओवर हो जाएगा और जल्द ही जो है उनको घर भी भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये खुशखबरी जो वहाँ से आई। और उसी के साथ लॉकडाउन की भी बात करें तो उसने जिन कहा कि 90% वहाँ पर लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है और अभी भी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इसी तरह अगर हमें इस चेन को तोड़ना है तो घर पर लॉकडाउन रहिए और ताकि हम जल्द से जल्द इस लड़ाई से जो है जीत हासिल कर सके। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ।